अब मैं आपके सामने लाता हूं हमारे साथी हैं, नौजवान हैं, जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में 46,500 वोटों से कांग्रेस को जिताया था, हमारे जसवीर भाई जस्सी पेटवाड़। इफ क्या इसने डबल कर दो, बहुत ही आदरणीय मेरे पिता तुल्य और संघर्ष की मिसाल आपके सुख दुख के साथी और हिसार लोकसभा से चौथी बार के सांसद आदरणीय जयप्रकाश जेपी जी, हिसार लोकसभा से पूर्व में रहे सांसद आदरणीय सुरेंद्र बरवाड़ा जी, कांग्रेस पार्टी के सभी हिसार जिले के सभी प्रत्याशी और मेरे सामने बैठे हिसार की सभी विधानसभा से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी हम उम्र नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति मेरी माताओं बहनों, साथियों आप लोगों ने ये मन तो बना रखा है कि भाई हिसार लोकसभा की नौ सीटें आप कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने जा रहे हो साथियों, और ये बात आपके जोश से ये साबित होती है कि हिसार लोकसभा की नौ सीटें 5 तारीख को जब वोटिंग होगी और 8 को गिनती होगी तो हिसार लोकसभा की नौ सीटों पे कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत हासिल करने का काम करेगी। साथियों मैं तो आपको सिर्फ इतना कहूंगा, यहां जितने प्रत्याशी आपके बीच में बैठे हैं सारे के सारे प्रत्याशी वो हैं जिन्होंने पिछले लगातार 5 साल आपके बीच में संघर्ष करने का काम किया है, और केवल जनता को ही अपना सब कुछ मानकर उनके हर सुख दुख के साथी बने हैं। मेरी तो आप सभी से प्रार्थना है, जो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे हैं, सभी के सभी प्रत्याशी जमीन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने सबको 50,000 से ज्यादा वोटों से जीता के विधानसभा भेजना है साथियों, और हमारे नेता, क्योंकि अभी हमारे नेताजी सभी आ रहे हैं, जयप्रकाश जी अभी आपको कह रहे थे, आपने नारनुंद विधानसभा के साथियों से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि आपने जयप्रकाश जी को भी 45,000 से जिताने का काम किया है, और मैं पार्टी हाईकमान को इस बात का भरोसा दिलाता हूं, नारनुंद में 52 साल से कांग्रेस नहीं जीती और एकमात्र हल्का पूरे हरियाणा में ऐसा है जहां 52 साल से कांग्रेस नहीं बनी, लेकिन नेताओं को विश्वास दिलाते हैं 36 बिरादरी के आशीर्वाद से 52 साल के बाद 52 साल का रिकॉर्ड 52,000 से ज्यादा वोटों से तोड़ने का काम करेंगे। साथियों मैं तो केवल एक बात आपके बीच में कहूंगा, 5 तारीख तक तो आप लोग संभाल लियो, 5 तारीख के बाद पूरे 5 साल हम सब आपको संभालने का काम करेंगे साथियों, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है, 36 बिरादरी के पास झोली करके हाथ जोड़ के अपील करने जाओ कि भाई कांग्रेस की सरकार बन रही है, इस सरकार में हिस्सेदारी करो ताकि हम हमारे नौजवान भाइयों के लिए रोजगार ला सकें, हम हमारे गांव के लिए, हल्के के लिए विकास कार्य ला सकें और हल्के में विकास के कार्य करवाए जा सकें, यही बात आपके बीच में कहने आया था। आप सभी से विनती है 5 तक अडिग रहना और कांग्रेस के हर प्रत्याशी को भारी वोटों से जिताने का काम करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय नारनुंद।